पुष्कर में स्वाइन फ्लू की दस्तक, बच्चे के स्वाइन फ्लू की जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव। तीर्थनगरी पुष्कर में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। 2 साल के बच्चे की स्वाइन फ्लू की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इसके साथ ही चिकित्सा महकमा हरकत में नजर आ गया है। सोमवार को चिकित्सा टीम ने मोहल्ले का निरीक्षण कर उनके संपर्क में रहने वाले परिवारों के छोटे बड़े 12 जनों को स्वाइन फ्लू के बचाव की दवाइयां दी। पीड़ित बच्चे को उपचार के लिए अजमेर रेफर किया गया है। साथ ही उनके घर के सभी सदस्यों को स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए प्राथमिक तौर पर दवा दी गई है। पुष्कर चिकित्सालय डॉक्टर प्रभारी आर के गुप्ता ने बताया कि 2 साल के बच्चे को उसके परिजन उपचार के लिए पुष्कर अस्पताल लाए। बच्चा जुखाम खांसी से ग्रसित था तथा स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने पर जांच कराई। जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू का वायरस पॉजिटिव आने से चिकित्सालय प्रशासन हरकत में आ गया। बताया गया है कि पुष्कर में यह इस साल का पहला स्वाइन फ्लू का मामला है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि बच्चे की तत्काल प्रभाव से उपचार के लिए अजमेर रेफर कर दिया गया है। एक पेशेंट है बच्चा, जो कि ये जमनी कुंड रोड पर रहता है। उसके जुखाम खांसी था, उसकी जो स्वाइन फ्लू की जांच हुई उसका पॉजिटिव आया और वो हाल फिलहाल अभी जेएलएन हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसके तहत हम आज यहाँ के घरों का सर्वे कर रहे हैं। उनके परिवार में जो 12 मेंबर हैं, उन वो जो कांटेक्ट में आए हैं उनको सबको हमने स्वाइन फ्लू की मेडिसिन दी है। उनके पड़ोस में जो 3-4 बच्चे जुखाम खांसी और एक महिला को जुखाम खांसी है, उसको भी हमने टेमीफ्लू से उपचारित किया।